सर के लिए बेगर बहेदी का
बहुत बड़ा बढ़िया दिन है, बहुत बढ़िया दिन है क्योंकि मैं सारे हरिहरन इसमें शामिल हैं, मेरे दोनों बेटे, और बस दुआ करता हूँ कि लोगों को अच्छा लगे, ये उम्मीद करता हूँ। विशाल जी, रेखा जी भी गजल को किसी ना किसी तरह से प्रमोट मतलब आगे बढ़ा रही हैं, आप भी मतलब एक तो पर्सनल रिलेशन है ही, साथ में गजल को भी एक आप प्रचार प्रसार में विश्वास रखते हैं। हम एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। बिल्कुल, आई थिंक गजल की जो फॉर्म है वो इतनी कमाल की फॉर्म है कि वो कभी मर नहीं सकती है, गज़ल हमेशा ज़िंदा रहेगी, और हम लोग तो मीडियम बन जाते हैं उसमें, हम आके गुजर जाते हैं उससे, तो गज़ल तो रहेगी और है और रहेगी हमेशा। विशाल जी, आपने बहुत अहम बात कही अंदर इवेंट पर कि जब आपका करियर थोड़ा सा डाउन चल रहा था, हरिहरन जी ने आपको सपोर्ट किया, तो उसके बारे में कुछ अगर आप डिटेल बताएं, कैसे, हाउ डिड इट ब्रेक यू आउट? नहीं, वो क्या, देखिए आज मैं जिस पोजीशन में हूँ उसमें कोई सपोर्ट करे तो ठीक है, वो सब कोई उसकी बात नहीं है। उस वक्त जब मैं कुछ नहीं था तो जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो मुझे उसमें उनकी सेल्फलेसनेस और जो लव दिखाई देता है, तो वो मैंने वही शेयर किया, और वही आई थिंक वही उनके गाने में जो जो खून है वो जो उन्हीं बातों का। सर, आप लोगों से विनती, नहीं एक मिनट, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कि आप लोग सामने देखें सर, क्योंकि कैमरा आप सामने से आके पूछो ना सर, माइक। अच्छा अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों से प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप अंडरस्टैंडिंग है सर। ओके, हरिहरन जी मैंने कल ही कुछ पूछ रहे थे आपसे। हाँ जी, कुछ पल याद आते हैं विशाल जी के साथ जब पहली बार आप मिले थे इनसे? हाँ, बहुत साल पहले हम एक रिकॉर्डिंग में मिले थे, मैं राइट? जी 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 जी, इन्होंने इनका गाना था, तब से मैं इनका फ़ैन, और इनके गाने में सुकून है, और खुद गाते हैं, तो जब एक कंपोज़र गाता है तो उस सीखना बहुत आसान हो जाता है, सहूलियत हो जाती है हमारे लिए, तो तब से हमारे एक दोस्ती, एक एसोसिएशन, साथ में काम करना बहुत अच्छा लगा मुझे। सर, अब आपके पास दो सवाल एक साथ आएंगे। पहला सवाल सर, इनके बेटे ने भी इसमें एक्ट किया, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? करण एक तो बहुत ही सिंसियर इंसान है, और उसने ऐसी एक्टिंग नहीं कि मैं हरिहरन का बेटा हूँ तो मैं जाके एक्ट कर सकता हूँ, वो एलए में गया और उसने एलए में जाके एक्टिंग को बाकायदा पढ़ा, और एक्टिंग क्योंकि नहीं तो हमें क्या लगता है कि डॉक्टर बनने के लिए जैसे मेडिकल कॉलेज में जाना ज़रूरी है, एक्टिंग के लिए कोई जाना ज़रूरी नहीं कि आप एक्टिंग बस उठे और आप एक्टिंग कर सकते हो, पर एक्टिंग एक क्राफ्ट है जो कि उसने जाके सीखी, और तो आई थिंक ये भी कहीं फैमिली के रूट से ही आता है कि जहाँ पे आपको गाना सीखना है, कोई भी आपको विधा सीखनी है, कोई क्राफ्ट सीखनी है, तो उसको बिल्कुल बाकायदा सीखा जाए। तो उसने करण ने एलए में जाके स्कूल में वो वहाँ पे एक्टिंग सीखी, जो कि अब पर्दे पे विजिबल है उसके छोटे छोटे एक्सप्रेशन में, और वो बड़ी सटल चीज़ होती है एक्टिंग में क्योंकि पकड़ने वाली नहीं, तो कैमरा तो हर छोटी छोटी सी चीज़ पकड़ लेता है, तो आई एम वेरी हैप्पी, उसका स्क्रीन प्रेजेंस ही बहुत खूबसूरत है, और उसकी एक सेंसिबिलिटी और एक सेंसिटिविटी जो उसके अंदर दिख रही है। मैंने दो साल एकदम पहले रख दिया था। विशाल जी, काफ़ी समय से घुमाएं वगैरह भी दे रहे हैं, कुछ हमें बताएं इरफान जी कैसे हैं सर, कुछ थोड़ा बहुत आपसे कोई संपर्क हुआ हमें कुछ तो मतलब? इरफान टच में रहते हैं मेरे, और मेरी उनसे बात होती रहती है, इरफान रिकवर कर रहे हैं, एंड हम सब लोग दुआएं कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी वापस आएंगे और फिल्मों में दोबारा काम शुरू करेंगे, और उनसे बातचीत होती रहती है, वो आजकल गाना गाते हैं और उस पर व्हाट्सएप पे गाना रिकॉर्ड करके भी भेजते हैं, क्रिकेट लोरी भी गाते हैं, और वो क्रिकेट तो देखते ही हैं वहाँ से। कोई कौन सी लोरी मतलब उन्होंने बताया कुछ ऐसा अगर आप? नहीं, वैसे तो नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा सुनिए, आप सुनिए, दीपिका के साथ में भी जो फिल्म थी ये पूछी थी, सर तो ये दीपिका और इरफान की फिल्म कब तक शेड्यूल की जाएगी, आपने रीशेड्यूल किया होगा? जैसे इरफान वापस आ जाएंगे ठीक होके, वैसे ही हम इस फिल्म को रोल करेंगे। सर, आप हमें बताएंगे ना ट्वीट करके कब आ रहे हैं? बिल्कुल जी जी हाँ, प्रियंका के साथ मुझे काम करना है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हर। ये चीज वो गवर्नमेंट वर्मेंट क्या पे की, नहीं अगर आपको फिल्म ही करें किसी धर्म या कुछ भी है तो डायरेक्टली अटैक नहीं होते आपको लगता है वैसे कि क्रिएटिव लिबर्टी
रही ही नहीं है, और गवर्नमेंट पे अगर कुछ बात करें डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो आप पे अटैक होता है? आई थिंक ये तो पहले से ही, अगर आप सेंसरशिप की बात कर रहे हैं या किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, सेंसरशिप भी तो है। सीक्रेट गेम्स को लेकर, सीक्रेट गेम्स जो क्या हो रहा है, सीक्रेट गेम्स सैफ अली खान जी ने ऐसा कहा है कि भाई अगर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ करते हैं सर, या बोलते हैं कहते हैं या क्रिएटिव किसी भी तरह से होते हैं, तो एक तरह से आपके ऊपर खुद के ऊपर अटैक भी हो सकता है, लाइक विच कैन बी फेटल ऑल्सो। कि सैफ ने सीरियल में बोला या सीरियल के बाहर ये बात बोली? बाद में सीक्रेट गेम्स को लेकर सर, एक सीन में जिसमें राजीव लैंग्वेज कुछ अब्यूजिंग, जो ट्रांसलेशन था उसमें कुछ अब्यूजिंग लैंग्वेज में था, जिसको लेकर कांग्रेस ने उनके ऊपर केस किया था और बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये नहीं बोलना चाहिए और आपको इसका खिलाफ। नहीं, पर वो सैफ थोड़ी बोल रहा है, वो तो पीछे से राइटर्स और डायरेक्टर्स बोल रहे हैं ना, सैफ का उसमें क्या है? नहीं, पर उसके बाद जो मतलब वो सैफ का पर्सनल नजरिया है ना, उसको मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे कहाँ, मुझे किसने रोका? मुझे, मैं अभी जाएगी मेरी फिल्म सेंसर में, अदरवाइज तो मेरी हैदर फिल्म रिलीज हुई है कश्मीर के टॉपिक पे, मुझे दो नेशनल अवार्ड मिले हैं, मेरे पास आई डोंट हैव द राइट टू से एनीथिंग। आप सुरक्षित और अच्छा महसूस करते हैं? बस लास्ट चीज़, सुरक्षित और अच्छा महसूस करते हैं सर? कहाँ पे सबसे ज्यादा डर तो मुझे आपसे लगता है। कभी हो गया ना, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रही है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसमें दो नई लड़कियाँ हैं, सुनील ग्रोवर हैं, और आई फील वेरी लिबरेटेड कि मैं नॉन स्टार एटमोसफेयर में काम किया बहुत दिनों बाद, तो मुझे बहुत मजा आया। चूड़ियों से ना पटाखा क्यों रखा? चूड़ियाँ से पटाखा इसलिए रखा बिकॉज उसका नाम चूड़ियाँ नहीं छुरियाँ था, सब उसे चूड़ियाँ बोलते थे, तो मैंने उसका नाम बदल के पटाखा किया। बहुत लकी हूँ कि मेरी शुरुआत ऑफ म्यूज़िक वीडियोस हरिहरन जी के यू नो गाने के साथ हो रही है, और आई कुडंट हैव आस्क फॉर बेटर। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत गाना है और यू नो डेप्थ है गाने में। आजकल के यू नो सॉन्ग्स, मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहती हूँ क्योंकि कुछ भी हो रहा है आजकल के म्यूज़िक वीडियोज़ में ना, रैंडम चीज़ें हो रही हैं, बट इसमें एक प्रॉपर स्टोरी थी, करने के लिए था एज एन एक्टर ऑल्सो, एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि जब मैंने पहली बार गाना सुना था, और मैं टू बी ऑनेस्ट मैं गज़लों के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन बहुत 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 अच्छा लगा था जब मैं पहली बार गाना सुना था, एंड देन ऑफ कोर्स टू बी फीचर्ड इन अ सॉन्ग ऑफ हरिहरन जी, जिनकी मैं बचपन से बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड एंड हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। वेल, आई हैव नोन करण, हिज सन, एंड करण रैंडमली कॉल्ड मी वन डे एंड यू नो ही सेड कि यू नो दे आर डूइंग अ म्यूज़िक वीडियो on Hariji single, and he said, you know, मैं तुम्हें गाना भेज रहा हूँ, you see if you want to, you know, we would really like you to be part of it, but you see if you want to be part of it. I said, cool. I said, you know, if it's a Hariharan song, I don't even need to listen to the song, because सबको पता है कि हरिजी कितना, you know, कितना अच्छा गाते हैं, and I told him, I don't need to listen to the song, I'm on, and that's how I, you know, was part of it. जी, आई थिंक बहुत ही सैड न्यूज़ है ये। फर्स्टली आई थिंक हमें बैक टू बैक इरफान यू नो की भी न्यूज़ आई, अब सोनाली बिंद्रे की भी न्यूज़ आई, आई एम वेरी अपसेट एंड सैड। आई होप शी रिकवर्स वेरी वेरी फास्ट, और ऑफकोर्स यू नो अगेन आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग हर एंड आई एम अ ह्यूज फैन, and she's been a fantastic actress and a human being. I've known her. I hope her, you know, she gets well really really soon, and abhi maine unka latest ek you know video dekha jab unhone apne baal kaat diye hain. I think you know she's fighting with full spirit and you know just shows you know what a strong person she is, and I think that's like a life lesson for a lot of people out there. Thank you.
बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है. मतलब हमारे घर में एक दूसरे के साथ बहुत करीब है, मैं, भैया, पापा, बहुत करीब, मम्मी भी, सब वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. और मैंने पापा के साथ एक म्यूज़िक वीडियो किया था जब मैं 4 साल का था, हल्का नशा करके, और फिर तब से मौका ही नहीं मिला पापा के साथ काम करना वीडियो पे. और फिर जब मुझे पता चला कि पापा ने मुझे पूछा कि आप मेरे यंगर वर्जन प्ले करोगे, मैंने बोला ठीक है पर मैं सोचूंगा पहले. और फिर पता चला, एक दिन शादी पे गया था, अमिता मैम जो लिरिसिस्ट है हमारा, शी कम्स टू मी एंड शी सेड, अच्छा प्री प्रोडक्शन कैसा चल रहा है बेटा. मैं तो पूरा जगह पे चौंक गया, बोला मैं तो प्रोडक्शन नहीं कर रहा तो नेक्स्ट थिंग आई नो मैं ये म्यूज़िक वीडियो का प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसमें एक्टिंग भी करना था. फिर पापा का बॉस बनने मिला मुझे, तो वो भी अच्छा लगा कि 2 दिन के लिए सेट पे तो पापा का बॉस हूँ मैं. इट वॉज़ अ ग्रेट टाइम. वी हैड, अपना ट्यूनिंग इतना सिंपल ईजी है कि ग्रेटेस्ट फीलिंग. प्रेशर तो है पर इट्स द काइंड ऑफ प्रेशर, वो बचपन से जब पापा के साथ शोज कर रहे थे ना, वो शुरुआत में पापा का शो है, कुछ गलत नहीं कर सकते. अब क्या हो गया कि हमारा प्रोजेक्ट है, तो वो प्रेशर मैं खुद पे डालता हूँ, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं. इट्स द प्रेशर दैट कम्स, आई वांट अ गुड प्रोडक्ट, मुझे लोगों को कुछ दिखाना है, एक कहानी बताना है, तो वो प्रेशर है. पापा को इनपुट नहीं लगता हम बस चुपचाप बैठ के सुनते हैं. पापा का रियाज चलता है हर दिन, पापा का रियाज आज भी हर दिन चलता है. तो सुबह बस कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ, पापा का रियाज चल रहा है, बस बैठो 5 मिनट सुनो पापा गा रहे हैं, ऐसा लगा अच्छा हुआ एक्टर हो गया और निकल जाता हूँ आई मीन इट्स द टाइम्स आर चेंजिंग. तो ऑफकोर्स टाइम्स आर चेंजिंग, पर गज़ल भी इवॉल्व हो रहा है. अभी ये प्रोडक्शन में भी फ्यू इंस्टेंसेज ऑफ EDM आ रहा है प्रोडक्शन में, तो गज़ल को भी थोड़ा मॉर्फ होना पड़ेगा. हमारा इंडस्ट्री भी बहुत एक्सेप्टिंग है, पर ऐसा नहीं है कि हमारा ऑडियंस एक्सेप्टिंग नहीं है. अगर उनको कुछ पसंद आया, अगर आप कुछ अच्छा बनाए, दे विल एक्सेप्ट इट एंड दे विल शो यू दैट दे लव इट. सो हमारा गोल यही था कि आपको एक 90s का ओल्ड स्कूल वीडियो का फील स्टोरी के साथ, एक पुराने पापा की आवाज़ की जो गज़ल है, बस एक साथ वो एक पैकेज करके लेके आना था आपके लिए. थैंक यू सो मच.